guys, it's me Pratha. Welcome back to my channel. As you read by the title, it's going to be a self-care routine or something. Because whenever my periods end, उसके बाद मुझे करना ही पड़ता है क्योंकि मैं उतनी lazy हो जाती हूँ उस time frame में कि मुझे थोड़ा अपने आप को proper glow up देना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ. मैंने कब से अपनी पॉडकास्ट पे कोई भी न्यू एपिसोड नहीं डाला है एंड वी क्रॉस 2000 फॉलोअर्स ऑन स्पॉटिफाई. अगर तुमने अभी तक भी नहीं सुना है तो मेक श्योर टू चेक इट आउट. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यस, और अगर लिंक से नहीं जाना है तो सर्च पेपी पॉड बाय प्रथा. इन बहुत बच्चों जैसा नाम है, बट इससे पहले तो और भी बकवास नाम डाले थे मैंने. मतलब बकवास नहीं थे बट ठीक है, अजीब थे यार थोड़े से, बट हाँ ये थोड़ा फिर भी नाइस. ओके यस, एज आई मेंशन कि हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग आज नहाएंगे. वाओ, बहुत ही यूनिक काम कर रही हूँ प्रथा. इतना नया कंटेंट कहाँ से आ रहा है वाप में. या मैं अपनी बेइज्जती करने में ही नहीं मानती हूँ. हाँ बट हाँ, मैंने रात में ऑयल लगाया था बालों में फाइनली, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे बालों की केयर करना भूल गई थी. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बाल थोड़े से ग्रो तो करना है क्योंकि मतलब मुझे शॉर्ट हेयर पसंद है बट इतने भी नहीं, और अभी ये शॉर्ट बच्चे भी नहीं है, एकदम ऐसे मिड पे आ गई है लेंथ. मिड भी नहीं बट हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लिया था. शिट, इतना ऑयल मेरे बालों में चाहिए भी नहीं होता, इसलिए मेरे पूरे फेस पर ऑयल उतर गया है. लुक एट माई फेस, कितना ज़्यादा ऑयली लग रहा है क्योंकि मेरे पूरे फेस पर ऑयल आ गया है. पहली बात तो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे ताकि मैं कोई चीज़ें मिस ना कर दूँ. मेरे नेल्स देखो, मैंने नेल पेंट लगाया, मैंने बाय द वे नेल्स कट कर लिए. मैंने इसका भी ब्लॉग बनाया था छोटा सा बट मैं पोस्ट करना भूल गई. मैंने इतने अच्छे अच्छे नेल्स थे मेरे, मैंने कट कर दिए क्योंकि ऑफकोर्स इतने बड़े बड़े नेल्स बहुत ज़्यादा से दिक्कत देते हैं एंड पेन भी बहुत होता है पता है उसमें. एंड तो मैंने नेल्स कट कर दिए. मेरे नेल्स कितने अनइवन हो रहे हैं देखो, मुझे इस साइड के पूरे नेल्स कट करने, क्योंकि मैंने आउट ऑफ एंजाइटी या फिर ऐसे टेंशन के चक्कर में मैंने ये नेल खा गई ये नहीं खाया. पहला टास्क है हेयर वॉश करना प्रॉपरली विद अ हेयर मास्क, एंड सेकंड है हमारा कि स्किन केयर करना, क्योंकि मैंने स्किन केयर दो दिन से नहीं करा. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्किन केयर से मुझे तो इतना, बट ठीक है थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील करने के लिए स्किन केयर करना है. एंड देन फिर हम करेंगे नेल पेंट भी चेंज करना है. फिर प्रॉपरली हेयर को ब्रश करेंगे क्योंकि ये चीज मेरी बहुत गंदी आदत है. मैं ऐसे वेट हेयर में ब्रश करना पड़ता है. इफ यू हैव कर्ली हेयर तो मुझे पता होगा, मैंने इतने कर्ली हेयर रूटीन नहीं देखे, पर जितने देखे उन्होंने ये बोला कि जब ड्राई हो जाते बाल सूख जाते तब कॉम नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो पूरे कर्ल्स खराब हो जाते हैं ना. तो वेट हेयर में प्रॉपरली उसको ऐसे स्क्रंचिंग करके तुम प्रॉपरली कर्ल्स ले सकते हो, ला सकते हो मतलब. तो वो करने का मैंने सोचा है. तो हाँ हम स्क्रंचिंग करेंगे और मतलब हाँ काउंटी भूल गई मैं. फिर 2 बजे एक मीटिंग टाइप है, मतलब कितने एकदम प्रोफेशनल साउंड कर रही हूँ मैं बट नहीं. हाँ तो मुझे 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करना है. एंड इफ यू नो मैंने एक शॉर्ट्स में डाला था, मतलब ऐसे वीक में मैं एक दिन सारे वीडियो शूट कर लेती हूँ. सो हाँ वही मैं कर रही हूँ आज. तो इट्स अ शूट डे तो मुझे पहले तो वो करना है, एंड मुझे बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने आज. तो वो है 4-5 टास्क. एंड फिर उसके बाद हाँ अभी हम फटाक से जाते हैं नहाने बिना टाइम वेस्ट करे हुए. लेट्स गो गाइस, टुक अ शावर. मैंने फाइनली हेयर वॉश भी कर लिया बट मैंने अभी तक स्किन केयर नहीं करा है. मैं स्किन केयर करूंगी एक चीज बताने के बाद, बता रही हूँ वो चीज. बट हाँ मैंने साथ में अपना लंच भी कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी. सो समवन आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन विच बुक्स टू गो फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड स्पेशली फॉर बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी में स्कोर करना कर सकते हो तुम अगर चाहो तो. बट फिर ना वो एनसीईआरटी जैसे पढ़ना, एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ना उससे नहीं काम बनता. तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे लाइन वाइज. मैं डेफिनेटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे अंदर वो ग्रिप आएगी. तुम इजिली क्वेश्चन देखते समझ जाओ ये कहां से. सो आई एम विद अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स. लुक एट दीज बुक्स, इट्स द मास्टर क्लास इन बायोलॉजी 11th एंड 12th. एंड इफ यू आर एमिंग टू स्कोर अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 360 आउट ऑफ 360, दीज बुक्स आर मस्ट. इन दोनों बुक्स में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एकदम प्रॉपरली एनसीईआरटी के हिसाब से. एंड दोनों बुक मिला के इसके अंदर 5600 प्लस ओरिजिनल एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है क्रिएटेड बाय डॉक्टर एन के शर्मा. एंड बाकी एमसीक्यूज आर एज पर रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी बुक्स. एंड साथ ही साथ इसके अंदर एफईटी एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस भी मार्क करी गई है. कि सारे ऑडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस इनके टेलीग्राम बॉट चैनल पे आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे मेंशनड है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, एंड साथ ही साथ जो पेपर्स अभी रीनीट हुआ था एंड जो झाझर वाला पेपर है एंड जो अब्रॉड इन सबके पेपर्स है ना, वो सारे भी एट द बैक दे रखे हैं आपको. एंड आपको इस साल के ऑल इंडिया रैंक 1 के टॉपर के नोट्स चाहिए भी फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड मेक श्योर टू चेक दीज बुक्स आउट. 11th एंड 12th की दोनों है, एंड बायोलॉजी के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. सो किस चीज का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स.
Done with the skincare, guys. Now I'm going to remove the nail paint. हमें एक मीटिंग ज्वाइन करने का है अभी. यस, अभी मैं मूवी देख रही थी, आए दिल है मुश्किल. मैंने देखी थी बहुत पहले, बट मैंने बहुत दिनों बाद देख रही हूँ तो मुझे याद नहीं थी. सो पहले वो ज्वाइन करते फिर देखते हैं. ओह शिट, मैंने आज भी वही कपड़े पहने जो मैंने लास्ट टाइम पहने थे. मीटिंग डन गाइस. अब तुम पूछोगे मीटिंग गाई कि ऐसा क्या काम कर रहे हो. अरे वीडियो जैसे मैं बनाती हूँ तो उसके पहले जो ब्रांड्स जो प्रमोशंस रहते हैं तो वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं जिसके अंदर दे टेल मी कि मतलब कैसे वीडियो बनाना है, आप कैसे बनाओगे, मेरा ओपिनियन मांगते हैं. फिर उनकी साइड से बताते हैं कि नहीं आप ये कलर के कपड़े मत पहनना. बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है वो भी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव काम होता है, मतलब बहुत आसान भी नहीं रहता है. तो मतलब ठीक है, चलता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है. इस प्रोडक्ट का मुझे बनाना है तो बहुत अच्छा है एक्चुअली. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये कब से चाहिए था. मैं अपना पहले मस्कारा यूज़ करती थी. इट्स अ स्लीक स्टिक वैसे बालों को, बेबी हेयर्स को, एंड मेरे बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा मेरे आज नहीं है भाई. मेरे को आज वीडियो बनानी है, आज नहीं दिख रहे हैं शिट, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया था लास्ट नाइट, सो दैट्स वाई मे बी. बट ओके, इट्स सच अ गुड प्रोडक्ट एंड यस, अभी हम वीडियो बनाएंगे बहुत सारे. ये आवाज़ क्यों आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है.